हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जो कि है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपकी एनसीईआरटी की बुक से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अगर हम वर्ड मीनिंग समझें, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब संतुष्ट, ठीक है, उसको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल खुश है। अनसैचुरेटेड मतलब कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो अभी खुश नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंपल टर्म्स में मेरे साथ समझना चाहें, तो अगर आप बहुत लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं कि सैचुरेटेड है, वो बिल्कुल खुश है, उसके पास जो भी उसको ज़रूरत है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मतलब उसको जो है अभी जो चाहिए वो चीज़ उसको मिली नहीं है, उसको अभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, अनसैचुरेटेड है वो, ठीक है। तो ऐसे हम अगर एक बहुत ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसको कैसे समझाया गया है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन विद ए फॉर्मूला ऑफ CH2CH6, ठीक है। तो हमने देखा मीथेन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन है जिससे कि चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें कि एक कार्बन ना होके दो कार्बन है और उसमें भी सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें छह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये एक इथेन का स्ट्रक्चर है, ये एक इथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इथेन है। इसमें मीथेन में जैसे चार हाइड्रोजन थे, वैसे इसमें अब एक हाइड्रोजन हट करके एक ये कार्बन आ गया है तीन हाइड्रोजन के साथ में, तो ये हो गया हमारा इथेन का स्ट्रक्चर। तो इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम्स टूगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जैसे कि कार्बन जो है वो कैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, कैसे उसके साथ हाइड्रोजन कैसे, इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो स्टेप में ये स्टेप नंबर वन ये है कि सबसे पहले एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा, ठीक है। अब क्योंकि हमको पता है कि कार्बन की चार वैलेंसीज होती हैं, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, अब इन दोनों कार्बन की अब तीन तीन वैलेंसीज बाकी है। तो नेचर में जो भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है वो हाइड्रोजन आकर के इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, तो अब हमको क्या स्ट्रक्चर मिलता है, हमको जो है अब ये स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, स्टेप नंबर टू में। इस तरीके से कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को पूरा कर लेता है और सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। थ्री वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो ईच इज बॉन्डिंग टू थ्री हाइड्रोजन एटम्स गिविंग राइज टू दिस इथेन स्ट्रक्चर। तो ये अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये इसको हम कहेंगे सैचुरेट, क्यों, क्योंकि कार्बन के जो चार वैलेंसीज होती हैं ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, ये संतुष्ट हो गया, अब इसको किसी और बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कार्बन जो है जो भी इसका फुल पोटेंशियल था इसने इसको रीच कर लिया। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हों, ठीक है, वो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर 4.6। 4.6 फिगर में आपको एक इथेन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन जो है एक ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तो आपको यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसी तरीके से, ठीक है, राउंड बना के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन आपको शो करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन,
विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H8 इन अ सिमिलर मैनर. तो क्या आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का भी आपने बनाया, आप प्रोपेन मतलब जिसमें कि तीन कार्बन हो, ठीक है, तो आप उसका भी इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो. यस, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ. आप कार्बन के तीन कार्बन को ले लीजिए एक दूसरे से जोड़ते हुए और आप जो है बिल्कुल उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. सो विल यू सी द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम. सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव. अब क्योंकि इनकी ये सैचुरेट हो गए, इनकी सारी वैलेंसीज, इनकी सारी भूख पूरी हो चुकी है, तो ये बहुत रिएक्टिव नहीं रहते, बहुत ही स्टेबल रहते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, अपने नेचर में बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, क्योंकि इनका नाम ही आप देख सकते हैं सैचुरेटेड. इनके सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए, तो बिल्कुल इनके सारे वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो गई, पूरी हो गई, तो ये बहुत ही सैचुरेटेड, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है. अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ द फॉर्मूला C2H4 एंड इज कॉल्ड इथेन. तो एक और कंपाउंड है कार्बन का जिसका कि नाम इथेन है और इसका फॉर्मूला है C2H4. इसमें दो कार्बन है और चार ही हाइड्रोजन है. जैसा कि हमने इथेन में देखा था कि उसमें जो है 6 हाइड्रोजन थे, इसमें 4 हाइड्रोजन. कि स्टेप वन में दो कार्बन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े और उनमें 4 हाइड्रोजन लग गए. अब क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है कार्बन के पास में, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा. तो कार्बन जो है आपस में ही डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे. तो इस तरह के कंपाउंड्स जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड.